Okay, good morning students. Now we are going to start with the part 2 of chapter 4, that is Mulan. अच्छा ये confusion मत हो कि इस chapter के दो parts हैं. Actually presentation में हमने इसको दो parts में divide किया है, पर आपकी book में ये एक ही chapter है जो आपको समझ आ जाएगा, आपको दिख भी रहा होगा क्योंकि अब बच्चों ने books ले ली हैं. तो वैसे ये एक ही chapter है, but as a presentation, in presentation we made it in a two parts. Okay, so अब हम आगे continue करते हैं, पर continue करने से पहले जो हमने first part में पढ़ा था कि that there is a girl named Mulan, ठीक है, बहुत brave और बहुत strong लड़की है. तो एक दिन उनकी country पे तुली खान हमला कर देता है. तो चाइना के एम्परर का ऑर्डर आता है कि हर एक फैमिली में से कोई भी एक मेंबर आर्मी ज्वाइन करेगा. तो मुलान सोचती है, क्योंकि जेंट्स होते हैं, जो आदमी होते हैं वही आर्मी ज्वाइन करते हैं, मुलान तो लड़की थी. तो मुलान क्या सोचती है, क्योंकि फादर बहुत ओल्ड हैं, हो गए हैं अभी, वो पहले भी एक लड़ाई लड़कर आ चुके हैं और बहुत इंजर्ड भी, मतलब थके भी हुए, इंजर्ड मतलब ज़ख्मी भी हैं, तो वो नहीं जा सकते. और जो उसका भाई है वो बहुत छोटा है, तो वो क्या डिसाइड करती है, अपने बाल काट लेती है और अपने फादर का जो हॉर्स लेकर वो आर्मी ज्वाइन करने चली जाती है. उसके बाद वो वहाँ के सोल्जर्स के साथ ट्रेनिंग करती है और उसको बहुत अच्छी ट्रेनिंग के बाद उसको इनाम मिलता है, रिवॉर्ड मिलता है, वो सेकंड इन कमांडर बन जाती है. सेकंड इन कमांडर मतलब, जैसे आपको एग्जांपल दिया था, एक मॉनिटर है और एक असिस्टेंट मॉनिटर है. तो जिस दिन अगर मॉनिटर नहीं होगा तो असिस्टेंट मॉनिटर उसकी जगह पोजीशन लेगा. मतलब दो कमांडर हैं, पहला कमांडर था उनका फालिंग और सेकेंड इन कमांडर, दूसरी कमांडर बनी थी वो मुलान, जिसने अपना नाम रख रहा था हुआ ली. तो एक दिन तुली खान ने उनके कैंप पर हमला कर दिया, बट उसमें जो हुआली थी, मतलब अपनी मुलान थी, जिसने बहुत अच्छे से लड़ाई करी और उनको हरा दिया और वो हार के चले गए. पर फालिंग डिसीजन लेता है, जो मेन कमांडर होता है, कि वो कहता है कि इससे ये मालूम पड़ता है कि तुली खान बहुत क्लोज आ चुका है, तो मुझे अपने कहीं सोल्जर्स को ले जाकर आगे जाके देखना होगा कि क्या सिचुएशन है. तब तक वो मुलान को, मतलब हुआ ली को, कैंप को का कमांडर बनाकर चला जाता है. अब हम आगे स्टोरी पढ़ेंगे. ओके ओके. टू वीक्स लेटर वन ऑफ द तुली खान्स बैटलियन अटैक्स आर्ट गार्डेड by Falling and his soldier fight. Falling sends a soldier back to camp. तो दो हफ्ते बाद तुली खान जो है वो किस पे हमला करता है, Falling, जो Falling वाले जो लोग थे ना, जो आगे चले गए थे कैंप से, उनके कैंप पर तुली खान क्या करता है, हमला कर देता है. तो Falling क्या होता है कि वापस कुछ, क्योंकि वो तो कुछ कम सोल्जर्स लेकर गया होता है, इतने सारे सोल्जर्स तो सारे पीछे कैंप में ही होते हैं, तो वो उसका सामना नहीं कर पा रहा होता है. तो टूली जो Falling होता है वो अपने एक दो सोल्जर्स को वापस भेजता है कैंप में. सोल्जर्स आई वांट यू टू ट्रैवल एज फास्ट एज यू कैन टू बेस कैंप, आस्क हुआली टू सेंड अस मोर एम्यूनिशन एंड सप्लाईज, हरी. तो Falling बोलता है कि अपने एक सोल्जर को वापस भेजता है और वो ऑर्डर देता है कि हुआली, मतलब मुलान को ये ऑर्डर दो कि हमें और एम्यूनिशन और सप्लाई चाहिए. एम्यूनिशन मतलब बुलेट्स, मतलब उनकी गोलियां, बंदूकें सब ख़त्म हो चुकी होती है, क्योंकि वो लोग कम होते हैं वहाँ पर और तुली खान की आर्मी बड़ी होती है. तो वो उसको वापस वहाँ पीछे एक बेस कैंप में अपने एक सोल्जर को, हुआली को, ये मैसेज देने के लिए पहुँचता है बेस कैंप. अब राइट साइड में जो है वो बेस कैंप का सीन है. वो सोल्जर हुआली के पास आ गया. जेंगिंग, उस सोल्जर का नाम होता है जेंगिंग. तो हुआली उसको बोलता है, जेंगिंग टेक दिस सप्लाई टू कमांडर Falling, फॉलो दिस मैसेंजर, तुली खान एंड हिज मैन आर वेरी क्लोज, बी वेरी कॉशियस, प्रोटेक्ट दिस सप्लाई. तो वो अपने हुआली अपने एक बंदे को उस ऑफिसर को, सोल्जर के साथ कहाँ भेजती है, Falling के पास. Falling के पास अपना सामान लेकर, जो सामान वो मंगवाता है ना, जैसे बुलेट्स वगैरह बहुत चीज़ें होती हैं जो ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि वो सब केस पे अटैक कर लेता है, तुली खान उस पे अटैक कर लेता है. तो वो और सामान और बुलेट्स, जो भी चीज़ें ज़रूरत की चीज़ें होती है वो भिजवाता है. कौन भिजवाती है या भिजवाता है, कौन, हुआली, मुलान. नेक्स्ट पेज. हाउएवर तुली खान हियर्स ऑफ द लार्ज कंसाइनमेंट एंड हिज मैन एम्बश द जेंगिंग. और जब वो जो चीज़ सामान लेकर वो कैंप से जा रहे होते हैं वापस, तो उस कैंप, उस सामान के बारे में किसको मालूम पड़ जाता है, तुली खान को. और तुली खान उनका वो सारा का सारा सामान अपने कब्जे में कर लेता है. ठीक है. आई मस्ट गिव द बैड न्यूज़ टू हुआली. तो कहते हैं मुझे ये बुरी खबर हुआली को सुनानी पड़ेगी. वही मैसेंजर, वही जिसको बंदा भेजता है ना,
पहले फालिंग की, और जो सामान लेकर आ रहा होता है वही बंदा वापस जाता है और कहता है कि मुझे ये खबर, बुरी खबर हुआली को सुनानी पड़ेगी। आई मस्ट गिव द बैड न्यूज़ टू हुआली। नीचे नीचे वाले पे नो जेंगिंग, इट वॉजेंट योर फॉल्ट। वो कहता नहीं, ये तुम्हारी गलती नहीं थी। आई अंडर एस्टिमेटेड आर एनिमी, मैंने अपनी एनिमी को कमज़ोर समझा, अंडर एस्टिमेट करा। दिस इज़न्ट द टाइम टू ब्लेम एनीवन, ये सही टाइम नहीं है कि हम किसी पे भी इल्ज़ाम लगाएं, ब्लेम करें। लेट्स वर्क टुगेदर एंड सप्लाइज गेट आर सप्लाइज बैक, एक साथ काम करते हैं और अपना सामान जो उसने हमसे चुराया है उसे वापस लेते हैं। कमांडर लिंग इज़ वेटिंग फॉर देम, कमांडर लिंग फॉलिंग हमारा इंतज़ार कर रहे हैं, उस सप्लाई का वेट कर रहे हैं। नेक्स्ट पेज, तो वो क्या करती, क्या तरकीब, जो एक आइडिया लेती है, कौन मुलान क्या आइडिया बनाती है वो देखिए। द नेक्स्ट डे टूली खान्स कैंप प्रटेंड्स टू, तो नेक्स्ट डे वो क्या करती है इन टूली कैम्प्स, टूली खान कैंप में जो मुलान होती है, इट ही शी प्रटेंड्स टू सरेंडर, सरेंडर मतलब वो जाके उसके सामने सरेंडर कर देती है। क्या बोलती है, जनरल खान आई हैव कम टू सरेंडर, आई विल बी पनिश्ड फॉर दिस ह्यूज लॉस, प्लीज़ प्रोटेक्ट मी, आई विल बी लॉयल टू यू। तो वो नाटक करती है और टूली खान के पास जाती है, कहती मुझे, मैं मुझे आप अपनी आर्मी में कर लो, नहीं तो मुझे यहाँ पे बहुत बड़ी सज़ा मिलेगी। सज़ा क्यों मिलेगी, क्यों, क्योंकि मेरी वजह से वो इतना बड़ा नुकसान हो गया। क्या नुकसान हो गया था उनका, कि जो वो सामान था, जो वो सप्लाई था, वो चोरी हो गया था, टूली खान ने चोरी कर लिया था। तो वो कहती मैं आपका, आपके साथ लॉयल मतलब ईमानदार रहूँगी, प्लीज़ मुझे आप अपनी तरफ कर लो। टूली खान इज़ नॉट रेडी टू बिलीव मुलान, टूली खान इतनी आसानी से उस पर भरोसा नहीं करने वाला था। इमीडिएटली ही डिसाइड्स टू टेस्ट हर, फिर वो उसको टेस्ट करने की कोशिश करता कि ये सच बोल रहा है कि नहीं, ठीक है। तो टूली खान उसे बोलता है, हाउ कैन आई बिलीव यू, ब्रिंग द एंटायर स्टॉक ऑफ सप्लाइज फ्रॉम योर बेस कैंप नाउ। तो वो कहता है ठीक है, तो तुम अगर, मैं तुम्हें कैसे बिलीव कर लूँ, मैं तुम्हें तभी बिलीव करूँगा जब तुम अपना बाकी का भी, जितना भी तुम्हारा सामान है कैंप में, वो मुझे ला कर दो। नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट डे मुलान अराइव्स विद द फर्स्ट लॉड ऑफ फूड एंड फोडर लोडेड ऑन द हॉर्सेस, टूली खान इज़ वेरी प्लीज। तो अगले दिन ही, नेक्स्ट डे ही टूली मुलान जो होती है आधा सामान लेकर अपने घोड़ों पर लेकर टूली खान के पास आ जाती है। सर माय मैन आर शिपिंग द रेस्ट ऑफ द सप्लाइज अक्रॉस द ह्यूशी रिवर, वो कहती है सर ये मेरा जो बाकी सामान है, हमारे जो मैन हैं वो ह्यूशी रिवर पे उसे लोड कर रहे हैं और मैं आधा सामान यहाँ पे ले आया हूँ। कौन बोलता है ये, हुआली, मुलान बोलती है किसको, टूली खान को। और टूली खान बड़ा प्लीज्ड भी हो जाता है, इम्प्रेस भी हो जाता है, यार हाँ यार ये तो मेरी बात मान गया, इसका मतलब ये मेरी तरफ है। पर ये उसको पता होता कि ये उनका ऑलरेडी पहले से प्लान होता है। नेक्स्ट, बट द सप्लाई इजन डिलीवर्ड इवन आफ्टर 4 आवर्स, द जनरल लूजेज हिज पेशेंस एंड गेट्स एंग्री। जो बाकी सामान जो वो बताता है हुआली कि मेरे मैन रिवर पे हैं, वो अभी ला रहे हैं, तो अभी तक 4 घंटे हो चुके होते हैं, 4 आवर्स हो चुके होते हैं, अभी तक वो डिलीवर नहीं हुआ होता है। तो इस ये बात सुन के जो जनरल है, जो टूली खान है, उसको गुस्सा आ जाता है। तो हुआली बोलता है सर वाई डोंट यू कम टू द रिवर योर सेल्फ, आप सर क्यों, आप खुद क्यों नहीं रिवर पे आ जाते। आई एम नॉट एज कमांडिंग अ लीडर एज यू, मैं एज अ लीडर इतना अच्छा नहीं हूँ जितने आप हैं, वो आपकी बात बहुत अच्छे से सुनेंगे, दे विल ओबे यू, वो आपको ओबे करेंगे, आपकी बात मानेंगे। नेक्स्ट पेज, द एरोगेंट खान बिलीव्स मुलान्स वर्ड, विद अ स्मॉल आर्मी ऑफ हिज सोल्जर्स ही क्रॉसेज ओवर द हिशुई रिवर एंड इन नो टाइम हुआली सोल्जर्स हु वर हाइडिंग अमंग द सप्लाइज ओवर पावर द खान। तो उनका प्लान सक्सेसफुल हो जाता है और वो क्या करता है, मान जाता है उसकी बात, उसके साथ चलने के लिए टूली खान उसके साथ चलने के लिए रेडी हो जाता है, ठीक है। और वहाँ पर जो हुआली है, मतलब जो मुलान के सोल्जर्स हैं, वो सप्लाई जो सप्लाई वो लाए थे उसके पीछे छुपे होते हैं कि वो जैसे ही टूली खान आए उसको अरेस्ट कर लें। मुलान एंड हर मैन टेक द कैप्टिव्स एंड रिट्रीव द सप्लाइज टू कमांडर फॉलिंग्स फोर्ट, और जो मुलान के लोग होते हैं वो उसको पकड़ लेते हैं, किसको, टूली खान को, और उसने जितना भी सामान उनसे लिया होता है वो सब लेकर वापस फॉलिंग्स के, जो फॉलिंग होता है उसके फोर्ट में जाकर उसे वापस कर देते हैं। ये जो अपर राइट वाली फ़ोटो है, देखे आप फोटो के अंदर, ये देखिए मैं जूम कर रही हूँ, ये टूली खान को पकड़ लिया है, उसके हाथ बंधे हुए हैं। ये जो अब बोल रहा है वो है फालिंग,
फालिंग किससे बोल रहा है? हुआली से. यू हैव सेव्ड चाइना हुआली, आई विल टेक यू टू द एम्परर. वो कहता है तुमने चाइना को बचा लिया, मैं तुम्हें एम्परर के पास लेकर जाऊंगा. एम्परर कौन है? राजा. अब हुआली को वो एम्परर के पास लेकर आया है एट द एम्परर्स कोर्ट. तो एम्परर क्या बोल रहा है? हुआली यू विल बी माय सुप्रीम कमांडर, नाउ आस्क व्हाट एवर यू विश. वो हुआली को सुप्रीम कमांडर बना देता है चाइना का. सुप्रीम कमांडर जो मेन कमांडर है, जो पूरी आर्मी का कमांडर, तो पूरी आर्मी को गाइड करेगा. तो हुआली को बोलता है आस्क मी व्हाट एवर यू विश, जो भी तुम्हें चाहिए मुझसे मांगो. तो हुआली जो मुलान होती है वो क्या मांगती है? योर मेजेस्टी. जो भी किंग राजा होते हैं उनको रिस्पेक्ट से मेजेस्टी बोलते हैं. योर मेजेस्टी ऑल ऑफ अस फॉट एंड वन टुगेदर. वो कहती हम सब लड़े और हम सब जीते हैं. आई हैव सर्व माई कंट्री, मैंने अपनी कंट्री के लिए सब कुछ किया. नाउ आई मस्ट रिटर्न टू माई पेरेंट्स एंड डू माई ड्यूटी एज देयर चाइल्ड. कहती अब मुझे अपने पेरेंट्स के पास वापस लौटना है और एज अ चाइल्ड मुझे अब अपनी ड्यूटी निभानी है. एज अ चाइल्ड मुझे, मैंने एज अ सोल्जर ड्यूटी निभा ली है इस कंट्री के लिए. अब मुझे एज अ पेरेंट्स के लिए एज अ चाइल्ड उनके ड्यूटी निभानी है. द एम्परर ग्रांट्स मुलान परमिशन टू गो होम. और एम्परर उसकी बात मान जाता है और उसको घर जाने की परमिशन दे देता है. तो फिर उसके फादर, वो घर वापस आती है, उसके फादर भागते हुए आते हैं. आर ब्रेव डॉटर वेलकम होम. वो अपनी खुशी से अपनी डॉटर का वेलकम करते हैं. सो हेयर इज़ द एंड ऑफ दिस चैप्टर. इस चैप्टर में आपने ये देखोगे कि अगर आप कोई चीज़ ठान लो तो आप वो चीज़ कर सकते हो. चाहे कोई लड़का लड़की कुछ नहीं मायने रखता, अगर आप ब्रेव हो, आप स्ट्रांग हो, तो आप सब चीज़ से लड़ सकते हो. इसका ये मतलब नहीं है कि अगर आप लड़के हो तभी आप लड़ सकते हो. नहीं, लड़कियां भी लड़ सकती हैं. तो इस स्टोरी सबसे बड़ी हमें यही चीज़ सीखने को मिलती है. ठीक है, और आप इसको 2-3 बार अच्छे से रीड करेंगे. बहुत ही अच्छी स्टोरी है. और मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि यूट्यूब पे जाओगे, मुलान टाइप करोगे तो इसकी मूवी है. आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि आप इसकी मूवी ज़रूर देखिए. तो उसमें आपको और इंटरेस्ट आएगा और बहुत इंटरेस्ट से आप ये मूवी देखेंगे भी. ओके ओके क्लास, थैंक यू.